हसन भाई मुझे ना हाई सॉकेट चाहिए और कौन से वाला 15 जी मुझे ना पतले में चाहिए थोड़ा, मैंने बहुत जगह देख लिया है, मेरी समझ में नहीं आया, अगर आपके पास हो तो मुझे दिखा दें कुछ। मेरे पास दो वेरिएंट अवेलेबल है भाई, एक 41 में एक मेगा आईडी में, आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए कैमरा अगर घुमा, अगर अच्छा हो तभी दिखाइए भाई। ये है मेरे पास 41 15, बैठो जी। ये 41 15, ये यूएस वर्जन के साथ भी है, विदाउट यूएस वर्जन भी है, दोनों की डिफरेंस ये है। यूएस वाले फोन आपके पास आ जाते हैं आईफोन, तो आपको ये मॉड्यूल चाहिए, और अगर आप इंडिया में परचेस किए फोन रिपेयर करना चाहते हो तो ये सफिशियंट है आपके लिए। देखिए असन भाई, एक्चुअल में ना यहाँ तो काम है और वर्ल्ड वाइड ये यहाँ मार्केट है, किसी भी कंट्री से कोई भी ये एक्सटेंशन खरीदनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि यूएस वर्जन के अंदर सिम स्लॉट नहीं है। अच्छा, इंडियन वर्जन सिम के साथ चलता है। हाँ, ई सिम के साथ चलता है। इंडियन वर्जन के अंदर जो है सिम स्लॉट है, उसके लिए ये बॉक्स सफिशियंट है। अगर आपको यूएस वर्जन रिपेयर करना है तो ये सॉकेट आपको चाहिए चाहिए, लेकिन अगर आपको मेगा आइडिया चाहिए, ये 41 का वेरिएंट है, इसमें मेगा आइडिया का वेरिएंट है, मेगा आइडिया चाहिए तो मेगा आइडिया में जो है वो आपको जरूरत नहीं है। और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मेरे पास पड़ा हुआ है आई सॉकेट के अंदर ही, वही रख कैमरा अपना उसके ऊपर, अगर कुछ अच्छा हो तभी दिखाइएगा। देखिए मैंने कई जगह सर्च किया, दिखा रहा हूँ एक और देख लो, ये एक्स जेड जेड का है जी, लेकिन ये विदाउट यूएस वर्जन है और कॉस्टिंग का बहुत डिफरेंस है। ये आप ओपन भी देख सकते हो, ये विदाउट यूएस वर्जन है। अच्छा, लेकिन ये 15 की पूरी सीरीज करेगा, आपकी कंप्लीट सीरीज करेगा। अच्छा, एक्सेप्ट यूएस वर्जन को छोड़ के। अब आप केवल इंडियन काम ही हो सकता है इंडिया में, इंडियन ही होगा क्योंकि इसमें यूएस वर्जन अभी आया नहीं है। जब हम इस लेवल पे काम करते हैं तो हमारे पास इंडिया का भी आ सकता है। मेरे पास मॉड्यूल्स पड़े हैं, अगर मैं ये भी ये खरीदता हूँ और इसके साथ अगर ये खरीद लूँ तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। दोनों में एडवांस फोन है, जो अभी एडवांस कैन लिए, ये विदाउट यूएस वर्जन एक्चुअली ना डे बाई वन से इन्वेंटर है आई सॉकेट का, और पिछले कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहा है, इसलिए कैनली में कोई शिकायत नहीं है किसी भी टाइप की। नहीं, कैनली मैंने पढ़ा है इसके बारे में, कैनली कॉस्टली जरूर है। मुझे एक, मैंने यहाँ करीबन 6 लोगों के यहाँ ट्राई किया है, मुझे एक शख्स ने बताया था इसके बारे में, लेकिन उनके पास कैनली था नहीं। आपने मुझे कैनली साक्षात दर्शन करा दिए, मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में। ठीक, कैनली अगर हम लेते हैं ना तो ये मुझे लेना ही पड़ेगा, इंडियन और यूएस। हाँ, बाद में भी ले सकते हो और साथ में भी ले सकते हो। नहीं, लेना ही है तो काम ही करना है तो उठ उठ के थोड़ी आना बार बार, और इतना बड़ा चीज भी नहीं है कि ये कितने का अलग से पड़ेगा या साथ में। अगर आप कंप्लीट लोगे तो मैं कंप्लीट पैकेज का रेट दे दूंगा, और आप अलग से लोगे तो मैं अलग का रेट दे दूंगा। कंप्लीट का रेट क्या है? अगर आपको कंप्लीट पैकेज के साथ में चाहिए तो पड़ेगा 15,800 का, और नॉर्मली ये पड़ जाएगा आपको 14,400 रुपए का। कुछ बेहतरीन डिस्काउंट बता दीजिए बस। आप अगर ओपन रेट ले रहे हो तो बहुत बढ़िया रेट है। बात मसला वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मुझे मिला नहीं, मैंने कई जगह सर्च किया। आप इसका रेट इसकी बहुत हायर कॉपी मैंने देखी, हाँ, हायर कॉपी आ रही है मेरे पास, एक्चुअली जेन्युइन है। नहीं, मैं समझ गया, किसी टाइप की कोई दिक्कत आती है तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्याली आपसे बड़ा, ये क्याली का होल मार्क नहीं था अभी मैंने जिसके सर होल मार्क भी होगा, और क्या सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास क्याली आपको डायरेक्ट नया पीस भेजेगी, रिप्लेसमेंट देगी, साथ में जो है क्याली का सपोर्ट इंजीनियर आपसे बात करेगा। एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट से रिलेटेड आती है तो आप फाइनल करें मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे ये चलिए मैं आपको फाइनल जो भी लगा बेहतर है बता दीजिए आप, मैं आपको जो बेहतर हो बता दीजिए, मैं तो लेने ही आया 15,600 लगा दूंगा ये आपको बस। इसके बाद एक काम करो 500 करो पूरे पूरे, चलिए आपकी मर्जी है सर, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। चलिए फिर ये दे दीजिए, पैक कर दीजिए। थैंक यू।